हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस टाइम। सक्सेस टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स जो आपका उमास एग्जाम, एसएससी एग्जाम, एएसओ एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होता है वो मिनिमम वन ईयर के तक करंट अफेयर पूछ लेते हैं। ओके, तो उमास एग्जाम जिन लोगों को देना है उनका तो एडमिट कार्ड आ गया, उनको पता नहीं तो मुझे बता देना एग्जाम कब है। उससे पहले मैं कुछ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स दे दूंगा जो स्पेशली ओपीएससी लेवल होता है एंड जो स्पेशल एसएससी लेवल होता है। ओके, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ओके, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन दे दूंगा 100% आ जाएगा, बट कुछ तो क्वेश्चन आपको 60% 70% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले, अगर आप पढ़े होंगे, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर मंथ का है, अभी का नहीं है, बट अगर आप पढ़े होंगे ठीक से करंट अफेयर्स तो मुझे पता है कि आप सभी क्वेश्चंस दे देंगे। एंड जितना भी क्वेश्चंस है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कितना क्वेश्चंस आपका करेक्ट रहा। ओके, कितना आप सक्सेस किया एंड कितना करेंट रहा। ओके, चलो तो शुरू करते हैं, रेडी रहना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कृषि किसोक स्कीम फॉर फार्मर्स वॉज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ। योजना के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जो भी गवर्नमेंट योजना हुआ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, तो सभी योजना भी याद रखना। कृषि किसोक स्कीम फॉर फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट स्कीम हो जाता है। तो एक किस स्टेट में है, तो अगर आपको पता होगा तो आप लिख लेना, तो ये होगा आपका हरियाणा। ओके, कृषि किसोक स्कीम फॉर फार्मर्स वॉज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द इंडियन नेवी शिप विच रिचेस अलेक्जेंडरिया एज पार्ट ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम रिसेंटली। जो इंडियन नेवी शिप है जो अलेक्जेंडरिया एज पार्ट ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम में रिसेंटली एंटर किया, उस शिप का नाम क्या है, क्योंकि ये आपका वायुसेना का क्वेश्चन से, सॉरी आपका जलसेना का क्वेश्चन से, तो याद रखना ये सभी क्वेश्चन से आपका आता है। तो ये हो आपका INS तरकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज द नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑर्थ ₹440 करोड़ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री कौन है। चलो, नेम द इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट हैज टर्मिनेटेड इट्स डिजिटल असेट्स ट्रेडिंग सर्विस एंड अदर क्रिप्टो रिलेटेड ऑपरेशंस साइटिंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड डिसरप्शंस। तो ये क्रिप्टो करेंसी का नाम है कोइनेक्स, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बांग्ला शस्य बीमा फॉर द फार्मर्स। आपको यहाँ पे स्कीम से पता चल गया होगा, बांग्ला मीन्स वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज डिजाइन्स लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली लिसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है, सिस्टम टू सेव द लाइफ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। कौन सा आपका है, जो लिसा का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली। तो इसका आंसर है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा। ओके, नासा का हेडक्वार्टर कौन है, अमेरिका। चलिए, दिस स्टेट गवर्नमेंट साइंड ए लोन, हुई स्टेट गवर्नमेंट साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ $328 मिलियन विद द वर्ल्ड बैंक फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विस। तो ये इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, समझ गए। नेक्स्ट को मूव करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ट्राइबल कैंपेन बाय ट्राइब्स इंडिया लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी। गो ट्राइबल कैंपेन बाय ट्राइब्स, ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, रिसेंटली कुणार पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिश्ड ए बुक नेम्ड ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिटरी चीफ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि आपका जो हमारा एक ये आपका क्या है आर्मी के ऊपर बुक लिखा गया है, तो ये बुक है आपका एडमिरल सुशील कुमार, इसने लिखा है। ओके, ये हमारा एडमिरल सुशील कुमार थे, तो जो ये बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, इसको याद रखना होगा। एंड इसमें और क्या याद रखना होगा, कोणार्क पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया था। ओके, बाय ह्यूज ईयर ऑल ग्राम पंचायत्स इन द कंट्रीज विल बी कनेक्टेड विद द हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। ये आपका कोई टारगेट लाइन दिया था, ये कौन सा है, 2020 इसका करेक्ट आंसर है। 2020 तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अंडर नेट भारत नेट प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2019 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओके, डे भी आता है तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2019 कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये होता है जून 30, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डेट।
As per the draft regulation issued by the Food Safety and Standards Authority, what is the color code label for surgery and salty foods? Yaad rakhna, is color hota hai red aapka. Okay. As per draft regulation issued by the Food Safety and Standards Authority, kabhi kabhi UPSC is type ka bhi question se aa jata hai. What is the color code label for surgery and salty foods? To red is answer. How much percent of GDP has been increased for India's current account deficit in fiscal year 2019? ये होता है 2.1% जीडीपी. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फास्ट आईपीएस ऑफिसर टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज. क्योंकि फास्ट आईपीएस ऑफिसर है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये होता है आपका अपर्णा कुमार. ओके. नेक्स्ट, हुई सिटी होस्ट द इजालिक्स 19 द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस फास्ट जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज. हुई सिटी होस्ट द इजालिक्स, यहाँ से आपको पता चलता है ये होगा आपका अबू धाबी. ओके. नेक्स्ट, Which state has launched a campaign to eradicate encephalitis disease? Most important question से, which state has launched a campaign to eradicate encephalitis disease? ये आपका है आपका उत्तर प्रदेश. Next, what is the interest rates for senior citizen savings scheme for July September quarter? What is the interest rates of senior citizen savings scheme for the July September quarter? ये आपका 8.6%. याद रखना important question से. National Doctors Day is observed on July 1st of every year. The theme of the National Doctor Day 2019 was. दो क्वेश्चंस बन गया. 1st जुलाई को मना जाता है एंड इसका थीम था, इसका दही था जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स. थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना. एंड मुझे जो नेशनल डॉक्टर डे सोचे जुलाई हुए डॉक्टर विधान चंद्र राय के याद से इसको बनाया जाता है. चलो, विच कंपनी इज द इंडियाज बिगेस्ट रिटेलर बाय रेवेन्यू. रेवेन्यू के लिए कौन सा बिगेस्ट रेवेन्यू के लिए कौन सा बिगेस्ट रिटेलर है? ये आपका आपका रिलायंस रिटेल. ओके. नेक्स्ट, वे डिड महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क इनॉग्रेटेड. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है क्योंकि महात्मा गांधी का 150 एनिवर्सरी अभी खत्म किए. तो वे डिड ये भी क्वेश्चन आता है. महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका आपका कोटेडी, इसका याद रखना कोटाडी इबावरी. ओके. इसको थोड़ा रट लेना. नेम द कैंपेन लॉन्च बाय गजेंद्र सिंह शेखावत फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी नई दिल्ली. ये होता है जल शक्ति अभियान. एंड हमारा जल शक्ति अभियान, हमारा जल शक्ति का मिनिस्टर ही कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. ये बहुत बार क्वेश्चन आता था, मीन्स आ चुका है, आईबीपीएस में भी आ चुका है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज टॉकिंग ट्रेल्स ऑफ ट्राई नेत्र टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज टॉकिंग ट्रेल्स फॉर ट्राई टेक्नोलॉजी, आपका रेलवे डिपार्टमेंट. एंड इंडियन रेलवे जब ये स्टार्ट किया कैंपेन वो होता है आपका नंबर प्लेट. ओके. याद रखना उसको, याद आएगा. विथ हुच कंट्री इंडिया साइंस विथ 200 करोड़ डील फॉर एक्वायरिंग ए स्ट्रॉन्ग अटाका एंटी टैंक मिसाइल्स. ये आपका रूसिया, इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग अटाका टैंक रूसिया मिसाइल के लिए. ये आपका इंडिया साइन किया है रूसिया के साथ 200 करोड़ डील्स. तो ये हमारा क्वेश्चन था. अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, इतना नहीं और भी क्वेश्चन करेंगे. ये तो आपका सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे बहुत स्पोर्ट्स का वैकरी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा, बट ये सभी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.